हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर का, और इसको हम प्रैक्टिस पेपर के रूप में देखेंगे। और आने वाले प्रश्नों को, मतलब जो आपके एग्जाम्स में आगे पेपर आ सकता है, वो इस तरह का पेपर हो सकता है, मतलब कि इस तरह का पैटर्न होगा सेम। तो आप ये पेपर जरूर ढंग से देखें, एंड तक देखें। और जो कोई भी इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो समय होगा बच्चों, 2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर के, और अधिकतम 40 अंक होंगे। और सामान्य निर्देश, जैसे आपने पहले भी फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है पेपर, फिर भी दोबारा बता देते हैं आपको। इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न होंगे, जिनको 3 खंड ए बी सी में बांटा जाता है। खंड ए में 2 अंकों के 6 प्रश्न हैं, और उसमें आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, ऑप्शंस यानी कि। सेक्शन बी में 3 अंकों के 4 प्रश्न हैं, सी में 4 अंकों के 4 प्रश्न हैं, और सब में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमति नहीं है, क्योंकि मैथ्स का पेपर है। आगे देखें बच्चों, पहले बच्चों हम चर्चा करेंगे सारे क्वेश्चंस के बारे में, फिर इनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप कॉपी पेंसिल में नोट करते रहना ढंग से। पहला प्रश्न है बच्चों, घनाभ के आकार का एक टैंक है। किसके? घनाभ के आकार का एक टैंक है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि इसमें 18 घन लीटर मीटर पानी निकाल दिया जाए, तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। तो टैंक की चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है हमें। आगे देखेंगे हम। अथवा में उत्तर है, अथवा में है एक और, एक गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ज्ञात करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया है 616 स्क्वायर मीटर वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू -3 पर बहुपद यानी कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+5, उसका मान ज्ञात करना है, ये देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, एक जोकर की टोपी एक लंब वृत्तीय यानी कि राइट सर्कुलर कोन पे शंकु के आकार की है, जिसके आधार पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं ये भी बच्चों। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण यानी कि एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 congruent triangles त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इधर 5वां क्वेश्चन है, देखिए, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, जिसके डायगोनल्स हैं यानी कि उसके विकर्ण हैं, एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, और इस एंगल को भी हम समझेंगे, एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी ए सी 30 डिग्री। तो ज्ञात करेंगे हम। अथवा में प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, यानी कि इक्वल चोर्स ऑफ साइकिल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स। यदि एक गोले और एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि स्फेयर एंड द सॉलिड क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में हम देखें तो फाइंड द फैक्टर्स फाइंड करने हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये दे रखे हैं, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2t² -t - 10 का ज्ञात करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, ए बी सी डी का आयात है, जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं, दर्शाए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है यानी कि एक रोम्बस है, उसको देखना है। अथवा में देखें, दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी और 2 बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि डीपी इक्वल टू बीक्यू है, दर्शाएं कि एपीसीक्यू यानी कि एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, फाइंड करेंगे। 9th में देखें,
अब देखिए कि राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रसारित करना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो वो भी करते हैं। दसवां क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे एक बेलनाकार रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, सिलेंड्रिकल रोलर उसका जो डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर है व्यास यानी कि, और 50 मीटर × 33 मीटर माप वाले खेल के मैदान को समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। प्ले ग्राउंड को एक मेजरिंग करा हुआ है, उसको कितने चक्कर लगाएगा बढ़िया करने में, समतल करने में। सेक्शन सी की बात करें, बहुपद यानी कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, तो ये देखेंगे गुणनखंड करके, अथवा मैं यहाँ उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का ज्ञा मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ये देखिए इन दोनों को मान हमने ज्ञात करना है। 12वां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज पी के ओ आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर इक्वल टू सी 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री और पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, तो ये कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल। पांच मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिसीमा पर तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप बिंदु आर एस एम पर खड़ी होकर आपस में खेल रही हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच तथा सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है, वह जीरो वृत्त का केंद्र है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए किस तरह से मेंशन किया हुआ है, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि तीन गर्ल्स हैं, थ्री गर्ल्स हैं, रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग विद ईच अदर स्टैंडिंग एट द पॉइंट पी आर एस एन एम रिस्पेक्टिवली ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर एज शोन इन द फिगर। रेशमा थ्रोज द बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा, वो फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए इसमें, मनदीप इज 6 मीटर ईच एंड जीरो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी लंबाई लेंथ ओ ई का मान ज्ञात करना है। 14th क्वेश्चन है, एक बीमा वित्तीय कम नुकसान से सुरक्षा का एक साधन है या जोखिम प्रबंधन का एक रूप है, जिसका मुख्य रूप से अनिश्चित नुकसान होने पर एक आकस्मिक जोखिम के खिलाफ बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। बीमा जागरूकता के लिए एक बीमा कंपनी ने एक विशेष शहर में 2000 ड्राइवरों को यादृच्छिक रूप से चुना है। उनकी उम्र और दुर्घटनाओं के बीच की संबंध खोजें, प्राप्त डेटा निम्न तालिका में दिया गया है। अब देखिए ड्राइवरों की आयु, एज ऑफ ड्राइवर्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द ईयर्स, तो इसके साथ हम देखेंगे सब मेंशन किया गया है। अब इसके हिसाब से हम उसके उत्तर देखते हैं। शहर में यादृच्छिक यानी कि प्रोबेबिलिटी बोलिए, इसको प्रोबेबिलिटी के रूप में चुने गए ड्राइवरों के लिए 18 से 19 वर्ष की आयु और 1 वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे शहर में जो प्रोबेबिलिटी रूप से चुने गए ड्राइवरों के लिए 1 वर्ष में कोई दुर्घटना ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये दोनों चेक करते हैं। अब बच्चों चलिए हम चेक करते हैं आंसर्स इसके। अब आंसर्स को हम देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड वाटर, जो पानी निकाला गया उसमें से, लेंथ इनटू ब्रेथ एंड डिक्रीज इन वाटर लेवल, ये देखिए फॉर्मूला पुट करके 6 मीटर इसका ऐसे निकलता है। और में उत्तर है, अगला जो उसका क्वेश्चन था एस ऑफ स्क्वेयर 6616, और फॉर्मूला पुट करके 22/7 × r² करके ऐसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर इस प्रकार से निकलता है। सेकंड में देखिए उसका आंसर, सेकंड का आंसर इस प्रकार, और थर्ड का स्लैंट हाइट देखिए किस तरह पुट किया, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड और एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैर 10 × 550, क्योंकि आंसर एक का निकाला था हमने ये, और 10 का निकल के इतना आंसर आएगा। फोर क्वेश्चंस देखिए, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी डी, बी डी ये क्या बन गया, डायगोनल। टू प्रूव एंगल ए बी डी ये प्रूव करना है इक्वल टू एंगल सी डी बी,
इसको इसके प्रूफ करना है, तो ये इसको इसके प्रूफ करते हैं हम। तो ये देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी ऑपोजिट साइड्स ऑफ, और डी ए इक्वल टू बी सी, बी डी इक्वल टू डी बी है। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी, तो ये पूरा रूल हेंस प्रूव्ड हो चुका है। ये आगे देखें पांचवा, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसमें मेंशन किया हुआ है सामने, साथ साथ देखें, एंगल इन द सेम सेगमेंट सेगमेंट है, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री पर है ये। आगे 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी सी डी जो है 80 डिग्री हो गए, एंगल बी सी डी 80 डिग्री पर है। और इस तरह ये हेंस प्रूव होते हैं, गिवन है ए बी है और का उत्तर है अलग वाला, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल चॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ। प्रूफ इस तरह से हम करेंगे, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ, ए बी इक्वल टू सी डी, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हेंस प्रूव्ड करके। गिवन सरफेस ऑफ स्फेयर छठे का देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला आर पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करते हुए आंसर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब करके इस तरह से हम सॉल्व इसको करेंगे और ये आंसर कंप्लीट। सातवां देखिए, सातवें को सॉल्व करते हुए इस तरह से आपका सातवां डन होगा। अब आठवें का है, एंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी, एंगल बी सी इक्वल टू ए डी, हाफ ए बी हाफ डी सी एंड हाफ बी सी इक्वल टू हाफ ए डी, ए बी इक्वल टू पी बी इक्वल टू डी आर इक्वल टू आर सी, एंड बी की बी क्यू इक्वल टू क्यू सी डी एस इक्वल टू ए एस। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया, इन एंगल एस ए पी एंड एंगल क्यू बी पी, ए एस इक्वल टू बी क्यू, एंगल एस ए पी इक्वल टू क्यू बी पी, एंगल एस ए पी इक्वल टू क्यू बी पी, देखिए इसके बराबर हो गए ना, ये सब चर्चा करते हैं, एंगल ए पी इक्वल टू बी पी, सो एस पी इक्वल टू पी क्यू, सिमिलरली पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस, एंड आर एस इक्वल टू एस पी, फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट पी क्यू आर क्यू आर आर एस एंड एस पी, एस फोर साइड ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल, पी क्यू आर एस इज अ रॉम्बस। और का उत्तर अब देखेंगे आप, इन ए बी एंगल ए बी सी क्यू एंड एंगल डी ए पी, बी सी इक्वल टू डी ए ऑपोजिट साइड्स ऑफ, एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एंगल ए डी पी, एंगल बी क्यू इक्वल टू डी पी, एंगल बी सी क्यू इक्वल टू एंगल डी ए पी, तो सेम सिमिलर रूल्स है करके हम कर लेते हैं। नाइन्थ का देखिए, यूजिंग आइडेंटिटी इसको किस तरह सॉल्व किया हुआ है, आप देखें इस तरह से ये पूरा सॉल्व होगा, नोट कर ले साथ साथ। रेडियस ऑफ रोलर देखिए, 70/2 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, एरिया कवर्ड इन द रेवोल्यूशन 2 × 20/7 इंटू 35/100, तो इस तरह से आंसर ये निकलता है, और एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इस तरह से आंसर, तो इसको इससे करके आंसर हमारे पास ये आता है। आगे 11th का देखिए, पॉसिबल फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, नोट कर लीजिए, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है बच्चों आपके सामने, इस तरह से यूजिंग आइडेंटिटी। 12th का करेक्ट कंस्ट्रक्शन है, 13th का है एंगल के बारे में ही है, और इस तरह सॉल्व होता है ये यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, इस तरह से लगेगा और पुटअप करके आंसर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आएगा। 14th का आंसर देखिए,
14 का आंसर इस तरह से करके और सॉल्व करके हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।